सो गाइस, आज की वीडियो में मैं सिंगल साड़ी को ड्रैप करने वाली हूँ लहंगा स्टाइल में। तो यहाँ पे मैंने ये जो साड़ी पिक की है, इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, तो आज मैंने सिर्फ एक सिंगल साड़ी ही पिक किया है। और यहाँ पे मैं किनारे में नोट बनाते हुए इनको आराम से टक कर लूँगी। ये नोट बनाने इसलिए ज़रूरी है ताकि साड़ी की नीचे की जो किनारी है वो आपके पेटीकोट के नीचे पता ना चले। तो जब एक कंप्लीट टकिंग हो जाती है, देन आपको क्या करना है कि आपको प्लीट्स बनानी है। और यहाँ पे जो पल्लू की लेंथ है वो आपको मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो डिज़ाइन स्टार्ट हो जाती है वेस्ट के पास से, मैं वहाँ पे स्टॉप हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो चौड़ी चौड़ी प्लीट्स है वो बनाऊँगी। यदि आपको प्लीट्स बनानी नहीं आती है तो अभी मैं आपको सिखाऊँगी कि आपको प्लीट्स कैसे बनानी है। तो जो दो उंगली होती है उनको आपको कैंची की तरह इस्तेमाल करनी है और तीन उंगली आपके पीछे की साइड में रहेंगी। तो हमारे हैंड्स में टोटल 5 फिंगर्स होते हैं, उनमें दो जो उंगली हैं वो आपको कैंची की तरह इस्तेमाल करनी है और बाकी तीन उंगली आपको पीछे रखना है। देन आपको इसको आपको जितना चौड़ी रखनी है वो आप डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इनको एक के ऊपर एक बना सकते हो। तो जब आप प्लीट्स अच्छे तरीके से बना लेते हो, देन सारे प्लीट्स के डायरेक्शन आपको राइट साइड की तरफ करनी है। और उसके बाद आपको नीचे से लेंथ मेज़र करना है कि कितना आपको नीचे की तरफ लेंथ रखना है। उसके बाद आपको एक एक करते हुए सारे प्लीट्स को अंदर की तरफ टक करना है। तो एक ये तरीका हो गया प्लीट्स बनाने का। एक आप चाहो तो बिना ऐसे प्लीट्स को गैदर किए भी एक एक पकड़ पकड़ कर उनको अंदर की तरफ टक कर सकते हो। जब ये प्लीट्स की सारी टकिंग हो जाएगी, देन जो वेस्ट के पास ये डिज़ाइन आएगी उसको आपको इस तरीके से सेट करना होगा ताकि जो बॉर्डर है वो आपके कमर के पास अच्छे तरीके से सेट होता हुआ चला जाए। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इनको टक कर रही हूँ ताकि बॉर्डर जो रहे वो मेरे वेस्ट के पास अच्छे तरीके से आ जाए। तो लहंगा की जो लुक है वो तो फ्रंट में इस तरीके से आ जाएगी। तो प्लीट्स भी जब आपको बनानी है ना, तो आपका मेन फोकस केवल फ्रंट पे ही होना चाहिए। तो इस तरीके से ये प्लीट्स जो रहेंगे फ्रंट की, वो आपके साड़ी में लहंगा लुक देगा। अब जो हमारी जो फ्रंट में पल्लू आएगी वो आपको कैसे करना है, तो यहाँ पे मैंने ज़िगज़ैग टाइप में कुछ नया ट्राई किया है, जिसके लिए आपको पल्लू की एक किनारी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। एंड देन जो यहाँ पे आपको ये दिख रही है कॉर्नर, आपको प्लीट्स बनाते हुए कॉर्नर तक जाना है। आप जैसे भी प्लीट्स को गैदर कर सको, आपको अपने हिसाब से उनको गैदर करना है। आप जितना भी डिस्टेंस रखना चाहो, जितनी चौड़ी प्लीट्स रखना चाहो, इट ऑल्स डिपेंड्स ऑन यू। आपको जितना पसंद है आप उतना ले सकते हो। जब आप इन सारे प्लीट्स को गैदर कर लेते हो तो इसको आपको पकड़कर अपने लेफ्ट शोल्डर के पास ले जाना है एंड देन एक सेफ्टी पिन से इनको आपको सिक्योर करना है। तो सेफ्टी पिन से सिक्योर करने के बाद सारे प्लीट्स को आपको फिर से देखना है, एक एक करके इनको गैदर करना है, सेम उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में पिनअप आपने की हुई है। जब आप इस तरीके से कर लोगे तो ये ज़िगज़ैग वाली जो डिज़ाइन रहेगी वो खुद ब खुद आ जाएगी। अब मैंने दूसरी साइड पे फैब्रिक को उठाया है ऊपर की तरफ और फ्रंट में मैं वी शेप बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये वी शेप जब अच्छे से बन जाती है, देन आप अपने राइट शोल्डर पे उनको सेफ्टी पिन से सिक्योर कर सकते हो। फिर एक वेस्ट चेन लगाकर आप अपने लुक को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये तो यहाँ पे फ्रंट के पोर्शन को कवर करने का ये पहला लुक है। मैं आपको दूसरा लुक भी बताऊँगी, तो आपको कौन सा लुक ज़्यादा पसंद आएगा वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो ये तो हो गया उल्टा पल्लू वाला ये डिज़ाइन। अब मैं आपको सीधा पल्ले के साथ भी यहाँ पे ये डिज़ाइन, सॉरी, अपने फ्रंट के पोर्शन को कवर करना बताऊंगी। तो मैंने कुछ नया ट्राई करने का कोशिश किया है, यदि आप सबको पसंद आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को भी आप ज़रूर लाइक दे देना। तो अब चलिए चलते हैं दूसरे स्टाइल पे। तो इसको आपको कम्प्लीटली रिमूव करना होगा, ये जितने भी आप पिनअप्स वगैरह किए हो इसको आपको निकालना होगा एंड प्लीट्स को आपको
हूबहू वैसे ही रखना है जैसे आपने इनको गैदर किया है। तो लेफ्ट शोल्डर से पिनअप हटाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको इनको पूरा नहीं खोलना है, सेम आपको उतनी सीक्वेंस में इनको लाना है अपने राइट शोल्डर पे एंड देन यहाँ पे आपको पिनअप कर देना है इन्हें, ठीक ऐसे ही। पिनअप करने के बाद फ्रंट में आपका ये इस टाइप का आ जाएगा। उसके बाद इनको आपको कुछ इस तरीके से सेट करना है अपने लेफ्ट साइड के वेस्ट पे एंड देन यहाँ पे भी आपको एक सेफ्टी पिन से इनको सिक्योर करना है। अब पीछे की जो बैक साइड होगी वहाँ से थोड़ा सा आपको बॉर्डर्स को सेट करते हुए लाना है एंड देन एक सेफ्टी पिन आपको यहाँ पे भी लगा लेना है। तो ये भी आपका जो सीधे पल्लू वाला जो स्टाइल है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो इसका लुक आपको इस टाइप से दिखेगा। उसके बाद आप एक वेस्ट चेन लगाकर इस लुक को भी कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको सीधा पल्लू वाला ज़्यादा पसंद आया है या उल्टा पल्लू वाला, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो ये जो ज़िगज़ैग वाली थी ये आप सबको पसंद आई है या नहीं ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, इससे मैं अपनी अगली वीडियो में भी कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करूँगी। तो अब मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।